आईटीवी ट्राइसिटी न्यूज़ की ओर से हम जो नया कार्यक्रम लेके आए हैं जिसका नाम रखा है मैं सेवक श्री राम का। ये कार्यक्रम हमने इसलिए बनाया है क्योंकि कोविड-19 के कारण आप लोगों को शायद रामलला देखने का मौका ना मिले। ये जो कलाकार हैं कई सालों से लंबे समय से चले आ रहे हैं और इनके परिवार भी इनके साथ जुड़कर राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम बनाया है ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। आज हमारे स्टूडियो में गोविंद जी आए हैं नवयुग रामलला कमेटी सेक्टर 7 चंडीगढ़ से। गोविंद कुमार नवयुग रामलला में कब आए, कहां से उन्होंने रामलला शुरू की, तो क्या क्या उन्होंने रोल किए, हम आपको आज गोविंद जी से रूबरू कराते हैं। देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम मैं सेवक श्री राम का। गोविंद जी तुसी साडे स्टूडियो आ जाए हो, सानू बड़ा अच्छा लग्या, असी थोड़ा बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ मैं सेवक श्री राम का के ऑर्गेनाइज़र का, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया अपने बारे में कुछ बताने के लिए। मेरा जन्म नंगल, जो कि पहले हिमाचल में था, अब पंजाब में है, वहाँ का जन्म है मेरा। सन 1962 में हम लोग चंडीगढ़ आ गए थे और मैं सन 1973 में रामलीला की रिहर्सल देखने के लिए जाया करता था, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे विक्रम जी, वो उस समय मेघनाथ का रोल करते थे, उनका रोल मुझे बहुत पसंद था, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे भी साथ में लेके चलो। वो मुझे रिहर्सल दिखाने के लिए ले गए। वहाँ पर रिहर्सल में बैठे बैठे सीन चल रहा था रावण अंगद संवाद का, तो अंगद के किरदार बाल कलाकार था, डायरेक्टर हर भगवान धवन जी, उन्होंने मुझे देखा कि बच्चा बैठा हुआ है, इसको उठाओ। उससे पूछते, बेटा आप बोलोगे? मैं क्या, हाँ जी बोल देंगे। क्या बात है। उस समय मैं 8वीं में पढ़ता था। याद कर लोगे? मैं क्या, हाँ जी कर लेंगे, फिर इधर आओ। डायलॉग बोला, नहीं शक्ति थी तुझ में तो मेरे पास चला आता, मैं तेरे बाप का बदला लेकर दिखलाता। उसका जवाब देना था अंगद ने, आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र है मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत ए हजरते आपकी। बड़ा पसंद आया, आवाज भी पसंद आई। अब 79 जब शुरू हुआ तो मार्केट में हम 4 दोस्त इकट्ठे हुए, भगवान दास गुप्ता, प्रदीप कुमार, चरणजीत और मैं, यानी गोविंद कुमार। हम चारों मिलकर बात क्या कर रहे हैं कि यार गोविंद सेक्टर 7 में अपनी रामलला होनी चाहिए। हमने कहा क्या बात है, हम अपनी गठन कर सकते हैं, हम बच्चे हैं, फिर क्या हो गया, हम कमेटी बना सकते हैं, बोलो तैयार हो, जैसे भी होगा कम करेंगे, मेहनत करेंगे, बनाएंगे कमेटी। सामने जैसे हम शपथ लेते हैं, हमने ऐसे हाथ रख करके उसी टाइम प्रण किया कि हम रामलीला का गठन करेंगे। क्या बात है। तो कमेटी का नाम क्या होगा, आज ही कर लेते हैं। कहते भी हम तो जवान लोग हैं। तो उस टाइम ये हुआ कि हमने विचार बनाया सबकी एक आवाज से, नवयुग। क्या बात। नवयुग रामलला कमेटी हमने नाम रख दिया 79 में ही, और हमने उसके रामलला करने की ठान ली। यानी कि वो नवयुग रामलला जो कमेटी है, लोगों को पता होना चाहिए वो कमेटी आज भी है। जी आज भी है। जी यानी कि उसका नाम आप लोगों ने रखा है नवयुग रामलला कमेटी। हम फाउंडर 79 में हम फाउंडर में। क्या बात है। तो उस समय जब ये कर लिया, अब आगे आ गया कि हमने फंड्स कैसे इकट्ठे करने। क्या बात। श्री रामलला कमेटी जो मैं जिसमें मैं पहले रोल करता था, उसमें ललित शर्मा जी लक्ष्मण का रोल किया करते थे, उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी। क्या बात। तो हमने कहा, उनको अप्रोच किया, भाई शर्मा जी आप हमें रसीद बुक छाप दोगे? कहते हाँ बिल्कुल छाप देंगे, 20 कापी के 20 रुपये लगेंगे। हमने कहा पैसे तो हमारे पास है नहीं।
वो कहते कोई बात नहीं, चंदा इकट्ठा करो, उसके बाद मुझे पैसे दे देना। 20 रुपए में 20 कापियां ललित शर्मा जी ने हमको बनाकर देने की वादा कर लिया और हमको एक हफ्ते के अंदर कापियां छाप कर दे दी। हमने उस दौरान 2250 रुपये, रकम बहुत बड़ी थी हमारे लिए, 500-500 रुपये हमने सबको बांटा। अच्छा, 200 एटीएम में डाला, 100 जुराबों में डाला। हम मतलब हमें बताया गया था कि दिल्ली में ना लूटमार ठग लोग ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, हम बड़े बचते बचाते वहाँ पर दिल्ली पहुँचे। हमने सामान इकट्ठा कर लिया, जो सामान लिख के लिख गए थे, हमने ए टू जेड सामान निकाल लिया। अच्छी क्वालिटी का नहीं, थोड़ी हल्की क्वालिटी का ले लिया, लेकिन सामान सारा ले लिया हमने। हम चंडीगढ़ सुख शांति से पहुँच गए, हमारा सामान पहुँच गया। म्यूजिक 300 रुपये, लाइट एंड साउंड 300 रुपये, और टेंट वाला 300 रुपये, ये 200 रुपये तो सीधा ये चला जाना था हमको, उसके पैसे भी इकट्ठे करने थे। 150 रुपये बल्ली बत्तों का लगना था। हमने कहा कोई बात नहीं, जब रामलीला शुरू होगी प्रभु राम की कृपा से वो भी मतलब पूरे हो जाएंगे। लेकिन बीच में 5-4 दिन थे, हमने उसमें भी उस दौरान भी चंदा इकट्ठा किया, 250-300 रुपये हमने चंदा फिर इकट्ठा कर लिया। हमारी रामलीला शुरू हो गई और हमने पहले साल सारे खर्चे के निकालने के बाद तकरीबन, मुझे अच्छी तरह याद है, 247 रुपये बचे थे। क्या बात है, 247 रुपये बचे थे और हम इतने खुश थे, इतने खुश थे कि मतलब पूछो ना। हमने रामलीला भी बहुत अच्छी तरीके से कर ली और हमारे पास पैसे ही बच गए, सामान भी बन गया। इस तरह से हमारी रामलीला का गठन हुआ। तो यानी कि अब यानी कि आप 79 में आपने 2200 रुपये इकट्ठा किया जी, अब कितना पैसा इकट्ठा हो जाता है जिससे रामलीला को, क्योंकि रामलीला को और अच्छा लाने के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई और लोगों को पता होना चाहिए कि रामलीला के लिए लोग पैसा इकट्ठा कैसे करते हैं, अपना शौक पूरा करने के लिए, और जो बच्चे जो नई जनरेशन आएगी उनको पता होना चाहिए राम जी कौन थे, लक्ष्मण जी कौन थे, रावण कौन था, सीता कौन थी, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। इसीलिए हमारी जो हिंदू की परंपरा ये लगातार रामलीला में रची हुई है। कई साल हो गए आपको भी रामलीला करते हुए। हमारे दर्शक ये सुनना चाहते हैं कि ये जो रामलीला है इसमें आपने क्या क्या बदलाव लाए। देखिए, बदलाव रामलीला में तो हम नहीं ला सकते क्योंकि जो इतिहास बना हुआ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं, मैं एक चीज बोल देता हूँ, जैसे आप रामलीला पहले करते थे सुबह 4 बजे होती थी रामलीला। रामलीला 4 बजे तक तो हम कहते हैं, 2 बजे तक हमारी रामलीला खत्म हो जाती थी, 2 बजे तक। लेकिन अब समय आ गया 12 बजे का, प्रशासन ने हमें स्क्रिप्ट छोटी कर दी। प्रशासन ने हमें जब अनुमति 12 बजे तक की देनी शुरू की तो हमने बैठ करके रामायण को छोटा किया। बिल्कुल वही, जो स्क्रिप्ट पहले बड़ी बड़ी होती थी वो हमने फिर छोटी की, आगे के संवाद काट दिए, पीछे के संवाद काट दिए, बीच का डायलॉग रख लिया, बस इतना हम करके हमने उसको कोशिश की कि 3 घंटे में हमारी रामायण पूरी हो जाए। यानी कि डायलॉग भी आपको कम करने पड़े। बिल्कुल करने पड़े, करने पड़े। जो डायलॉग 15 लाइनों का था हमें 8 लाइनों में सीमित करना पड़ा। वो रोब तो खत्म हो गया, लेकिन हम जो संदेश देना चाहते थे वो हम दे पा रहे हैं, दे पा रहे हैं। जैसे लोगों को पता होना चाहिए कि रामलीला में ये चीजें हैं जो बच्चे नए आ रहे हैं। गोविंद जी, एक चीज और बताइए कि यहाँ पे आपने नवयुग रामलीला में क्या ऐसा काम किया जो बाहर के लोग दर्शक देख के हैरान हो गए होंगे, वो बताइए जरा। बाहर के लोग, मुझे अच्छी तरह याद है मैं लक्ष्मण का रोल किया करता था। लक्ष्मण के रोल को देखने के लिए इतनी भारी भीड़ उमड़ती थी हमारे सेक्टर 7 के पीछे, कांसल, कैवला, किशनगढ़, शकेतड़ी, यहाँ के और कालका तक के लोग हमारे को हमारी रामलीला देखने आते थे। ट्रॉलियाँ भर भर के, ट्रक भर कर, हमारा सारा ग्राउंड पूरा खचा खच भरा होता था। हमें भी खुशी होती थी जनता को देखकर, और रोल करने में हमारे जोश भी काफ़ी आता था। पब्लिक को देखकर के कलाकार अपने आप ही जोश में आ जाता है। तो उस समय पब्लिक की कोई कमी नहीं थी, सराहना की कोई कमी नहीं थी, इतनी ताड़ियाँ बजती थी हमारे डायलॉग पे कि हमारा सारा जो थकावट होती थी, हमारी मेहनत होती थी, सब वसूल हो जाता था। आपने लक्ष्मण का रोल कितने साल किया? मैंने 19 साल रोल किया। 19 साल लक्ष्मण का रोल किया। 19 साल लगातार आपने लगातार लक्ष्मण का रोल किया। हमारे ये दर्शक जो देख रहे हैं अपने प्रोग्राम को जी, उनकी भी इच्छा होगी कि शायद लक्ष्मण का डायलॉग बोलेंगे, लेकिन मैं आपसे बेनती करता हूँ कि दर्शक जो देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम उनको एक लक्ष्मण का डायलॉग सुना दो। जरूर, क्यों नहीं, उन्हीं के लिए तो हम आए हैं।
दृश्य है सीता स्वयंवर। महाराज जनक ने बहुत ही कटु वचन बोल देते हैं सारों के लिए, अकेले लक्ष्मण के लिए नहीं, राम के लिए नहीं, सभी राजाओं के लिए, कि खाली जो पृथ्वी समझता मैं शूरवीरों से। लक्ष्मण को मन में नहीं बैठती, गुस्सा आ गया, तो गुस्से में आकर के क्या बोलते हैं, राजन होकर किस कदर, ज्ञान बान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान, क्यों बिना विचारे कहते हो ये वचन, आपके तीखे हैं करते हैं घायल हृदय को, बरसी है बांसुरी के हैं, एक एक छेद है छाती में, एक एक आपकी बाणी में, सबको अपमानित कर डाला, केवल इनकी नादानी में, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आओ तौर सितारों को, सुरमे की तरह मसल डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को, ये धनुष बोधा धनुष कुछ भी नहीं है वीर के आगे, उड़ा दूं पर्वतों कोस दूं जो इस तीर के आगे। क्या बात है बोल बोल जड़ी, तुसी नवयुग रामला दे नाल जुड़े हो, इन्ने सालों तो जुड़े हो जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਰਾਮਲਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਪੇ ਤੋ ਹਮ ਰਾਮਲਾ ਕਰਤੇ ਹੀ ਥੇ, ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਕੀ ਵੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਥੀ ਕਿ ਕੁਛ ਆਊਟਡੋਰ ਕਿਉਂ ਹੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਰਾਮ ਬਨਵਾਸ ਕਾ ਸੀਨ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗਲੋਂ ਮੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਪੜ ਗਏ कि जी वो किश्ती है यहाँ पर गंगा पार का सीन तो हम दिखा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, पहले तो किश्ती के बारे में पता किया जाए, हमें मिल सकती है नहीं मिल सकती, कुदरती बात है कुदरती। मेरा दोस्त वहाँ पर जो लेक क्लब है वहाँ पर मेंबर था, उससे बात की, उन्हें कहा कोई बात नहीं हम आपको किश्ती दिला देंगे, किश्ती का किराया लगेगा, कोई बात नहीं। हमने राजी होकर के अपने बच्चों को कह दिया कि हम सीन कर रहे हैं, जिस दिन राम वनवास का सीन था उसी दिन शाम को, सेम डे, रात को स्टेज पे होना राम वनवास नहीं है गंगा पार का सीन, दिन में हमने 4 बजे हमने तकरीबन समय रखा कि गंगा पार का सीन लेक पे दिखाया जाएगा, और प्रभु राम की कृपा से मेरे दोस्त सुनील शर्मा जी, उनसे अनुरोध किया, मीडिया प्रभारियों को वो किया कि वहाँ पर मीडिया का हमें कवर कर ले तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि रामला की हमारी फोटो एक दो ही आती थी अखबार में, इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, बिल्कुल, लेकिन ये हमारी अनुरोध प्रेस वालों ने मान लिया और वो शाम को आने के लिए राजी हो गए। हमने जो दृश्य वहाँ पर दिखाया है, हम साउंड भी ले गए थे, गंगा पार का सीन हमने रिकॉर्डेड पहले रिकॉर्ड किया, फिर उसमें चलाया, कैसेट चलाई हमारी, कैसेट की आवाज़ पूरी नहीं आ रही थी, एक स्पीकर था, लिंक करे तो क्या करे, साउंड सिस्टम डीजे सिस्टम का तो उस टाइम जमाना ही नहीं था, लेकिन हमने जैसे तैसे वो सीन चलाया, ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिला। तो उस समय हमें याद है अच्छी तरीके से, 4,000 रुपये का खंभा हमने खरीदा था, क्या बात, और तकरीबन 3400 रुपये की हमारे को तार आई थी, वो तार और खंभा हमने पक्का स्टेज में बांध दिया, उसके ऊपर आज तक उसी खंभे उसी तार के ऊपर हमारा जटायु उड़ कर स्टेज पर आता है, अच्छा। हमारा हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के स्टेज पर आता है, और हमारा हनुमान जी जो जलती हुई मिसाल लेकर के लंका दहन करने के उसी तार से जाता है लंका दहन करने के, रावण की लंका, रावण की लंका जी। अब रावण की बात आ गई, गोविंद जी से हम रावण की बात भी करते हैं, गोविंद जी एक चीज बताइए, इतने साल आपने रामला की क्या क्या किरदार निभाए अभी तक आपने? देखिए जो मैंने मुख्य भूमिका निभाई वो थी लक्ष्मण की, उसके बाद जब लक्ष्मण का रोल छोड़ दिया, मैंने छोड़ा इसलिए कि मतलब मेरी जो स्टेज की सुंदरता थी वो मुझे खुद को नहीं उतरी, मैं सुंदरता के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, बिल्कुल, इस मंच पर हमेशा हमने किरदार को वही रखा है जो सूट करता है। मैंने रोल छोड़ दिया जबकि मुझसे कोई छुड़वा नहीं सकता था, मैं फाउंडर मेंबर था तो ऐसा कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने खुद छोड़ा और मैं आ गया दशरथ पे, मेघनाथ पे, मतलब और करेक्टर जितने होते थे वो रोल में करता था। तो जो रामायण है प्रॉम्प्टिंग दे करके, कुछ रामायण हमने लिखी थी तो हमें उस वजह से भी मतलब
याद हो गई, ऐसी रामायण के में रामायण कंटस्ट है। एक चीज बताइए, आपने दशरथ का भी रोल किया जी, जो हमारी ये लोग देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जी, एक महाराज का भी एक डायलॉग अगर आप सुना दो। जरूर जरूर जी जरूर। ये मेरे महलों में अंधेरी रात कैसी है, समझ में कुछ नहीं आता ये बिगड़ी बात कैसी है। आज हसरत छा रही क्यों दरो दीवार पर, खाक उठती जा रही क्यों रानी के सिंगार पर। क्या बात, दिल मेरा कांपता है शौक के विस्तार पर, सो रही है प्यारी रानी किस लिए मन मार कर। रानी आज हमारे नंद भवन का दीपक क्यों टिमटिमा रहा है, मानो हमारे जिगर पर कटार चला रहा है। ए कश्मीर की पुष्पलता, जब तुम बार बार मुस्कुराती हो तो हमारे मुरझाए हृदय की किली खिल उठती है। आंख में सूरत तेरी, होठों पर अफसाना तेरा, ये दिल भी दीवाना तेरा, ये जान भी दीवानी तेरी। प्यारी जागती हो या सो रही हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक जी और बताइए, आप इतने सालों से रामला करते आ रहे हैं, यहाँ पे केंद्रीय महासभा है जी जो रामला के कंपटीशन कराती है जी, हमें मालूम है कि आप उसमें भी शायद प्रधान रहे किस टाइम। मुझे सेवा करने का मौका वहाँ पे भी मिला जी। कितने साल रहा? मैं 5 साल केंद्रीय रामला महासभा का प्रधान रहा। प्रधान रहा, इतना अच्छा रोल, इतने अच्छे डायलॉग की डिलीवरी जो आपकी आ रही है जी, आपने कभी केंद्रीय महासभा जो रामला कंपटीशन करवाती है जी, उसमें आपने कभी पार्टिसिपेट किया? फिजिकली मैंने तो नहीं किया, क्योंकि जब आप सीनियर हो जाओ तो खुद ही पार्टिसिपेट करो ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल, हमने अपने बच्चों का ही मौका दिया। हर वर्ष हम कुछ ना कुछ महासभा के जो कंपटीशन होते रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हर वर्ष हम प्राइज लेकर आते रहे हैं, बेशक वो मेकअप का हो, बेशक थर्ड प्राइज हो, बेशक सेकंड प्राइज हो, बेशक बेस्ट एक्टर का हो, कुछ ना कुछ बेस्ट म्यूजिक का हो, ये सब हमने पुरस्कार जो है महासभा से लिए हुए हैं जी। तो आपके कौन सा कलाकार ऐसा है जो बेस्ट बन के आए हो? देखिए सबसे पहले मैं जब चंडीगढ़ केंद्रीय रामला महासभा का प्रधान बना तो हमने प्रतियोगिता रखी थी धनास में, युवा रामला कमेटी थी, तो वहाँ पर रावण अंगद संवाद हमारा गया था। क्या बात, उस जगह पर हमारे को द्वितीय पुरस्कार मिला सीन का, और बेस्ट अंगद का प्राइज, बेस्ट आर्टिस्ट जो था अंगद का, वो हमारे कमेटी को मिला। उसके बाद तो फिर हमने बेस्ट आर्टिस्ट की तो झड़ी लगा दी, बेस्ट रावण 1 साल, बेस्ट रावण 2 साल, इस तरह से हमको बेस्ट एक्टर का प्राइज तो 3 बार मिल गया, सेकंड प्राइज हम तकरीबन 5-6 बार ले चुके हैं, थर्ड प्राइज भी 2-3 बार ले चुके हैं, मेकअप का प्राइज तो हमने कम से कम 10 बार तो लिए ही होगा। बेस्ट रावण की बात आगे, बेस्ट रावण का अवार्ड आपकी स्टेज के जो रावण बनते उन्होंने जीता जी। कौन बनते थे रावण? रावण बनते ही शम्मी जी, शमी जी प्रदीप कुमार जो पहले रामला में रावण का रोल किया करते थे उनके पुत्र हैं, लेकिन जब तक वो प्रदीप कुमार जी रावण का रोल करते रहे उनका भाग्य में नहीं था कि वो प्राइज ला सके, लेकिन उनका बेटा जब बना तो उसको बेस्ट एक्टर का प्राइज जरूर मिला। अब रावण की बात आ गई, दर्शक जितने बैठे हैं, गोविंद कुमार जी आपका एक नाम ये भी आता है कि आपको पूरी रामायण आपके रंग रंग में पसी हुई है। बिल्कुल जी, एक अगर रावण का डायलॉग भी आप सुना दो तो क्या बात है। फिर हमारे जितने दर्शक हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमें इतना मालूम है कि आप इसी रामला के डायरेक्टर भी रहे हैं किस टाइम जी, तो आपके भी रामायण रंग रंग में पसी हुई है। बिल्कुल, जितना डायलॉग बोलना आपको, क्योंकि डायरेक्टर का काम वही होता है कि बच्चों से रामला करवानी और उनको डायरेक्शन देनी। अब रावण की बात आई है तो आप एक रावण का डायलॉग सुना दो, हमारी जो ऑडियंस है वो और भी खुश आ जाएगी। जरूर, दिग्विजय के वास्ते निकलेंगे हम संसार में, काट डालेंगे वो सर जो न झुके चरनार में, जब कजा चोटी की आई तो उसके पर पैदा हुए, तेरे मारने को विष्णु देख हम पैदा हुए, जय शंकर जय शंकर जय शंकर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब
चंडीगढ़ केंद्रीय रामलला महासभा का मुझे पदभार संभाला गया प्रधान का। उस समय मेरा एक दायित्व बन जाता था, चंडीगढ़ में जितनी रामलला होती है सब जगह मैं जाऊँ। चंडीगढ़ में 54 रामलला होती थी और 32 दशहरे। क्या बात। मैंने हर मंच पर जाकर के हर मंच की रामलला देखी, वहाँ की त्रुटियाँ निकाली, अच्छी चीज़ को अच्छी कहा। सेक्टर 17 की परेड ग्राउंड में जो रामलला होती है, श्री रामलला कमेटी सेक्टर 17, वहाँ पर भी मुझे जाने का मौका मिला। उस दिन रावण का रोल चल रहा था, रावण की जो वेशभूषा थी, रावण का जो किरदार श्री शर्मा जी निभा रहे थे, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उनसे। फिर उनका मैं अखबार में भी देखता रहता था, कभी वो साइकिल पर जा कर के, कभी ब्लड डोनेशन में जा कर के, हर तरह से कुछ ना कुछ नया संदेश वो पब्लिक को देते ही रहते थे रावण बन कर के। क्या बात। ये आउटडोर पर जाना कोई आसान बात नहीं होती। वो रावण की ड्रेस में वेशभूषा में आकर के शिव वरदान उन्होंने मटका चौक पे भी किया मेरे मित्तल जी के साथ, जो कि सारे मीडिया ने उठाया। साइकिल बनकर गांधी जी के साथ चलाया पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए, कभी पौधारोपण के लिए किया, कभी ब्लड डोनेशन किया। मतलब वो हर समय कुछ ना कुछ नया, मतलब पब्लिक को बताने के लिए, पब्लिक को जोड़ने के लिए, पब्लिक की सहायता करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मैं एक दिन बैठा हुआ था, गौड़ जी हमारे महासचिव हैं महासभा में उस समय थे और अब भी वो चले आ रहे हैं, क्योंकि जो जितने काबिल गौड़ जी हैं मतलब महासभा के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका अभी भी तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके पास में बैठा था, मन में विचार आया कि यार शर्मा जी ना कुछ अच्छे काम करते हैं, बेशक वो महासभा से नहीं जुड़े, हमारा हक बनता है कि हम जो रामलला में जो काम कर रहे हैं उनको हम सम्मानित कर सकें, उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ सहायता कर सकें। तो कहते क्या करना चाहिए, तो हमने कहा, उसमें जोशी जी भी थे जो उस टाइम कोषाध्यक्ष थे, तो बैठे बैठे बात हुई कि जी भाई शर्मा जी को हम सम्मानित करते हैं ट्राई सिटी का बेस्ट रावण मतलब के लिए, हम वो उनको नॉमिनेट करते हैं। तो हमने वहीं पर डिसाइड कर लिया कि श्री शर्मा जी को हम बेस्ट करेक्टर ऑफ रावण, जो कि ट्राई सिटी में ऐसा रावण कोई भी नहीं, हमने उनको सम्मानित करने के लिए तय कर लिया, और जो कि हमने सेक्टर 20 के मंच पर उनको सम्मानित भी किया। क्या बात है। जय श्री राम। जय श्री राम।